हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बजटिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम उससे पहले पढ़ेंगे हम कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में कि आप अपने बजट का जो कॉस्ट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे। तो बेसिकली आपको वेरिएबल समझने पड़ेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करना है। जैसे आप कभी भी कोई भी खर्चा करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप देखते हैं कि किस स्टेप पर आपका कितना पैसा लगने वाला है। दैट इज़ बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को इतना पैसा लग सकता है, अब उसके लिए आप रेडी करोगे कि हाँ भाई मैं यहाँ से उसको रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट आपकी कॉस्ट जहाँ लग सकती है दैट इज़ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लेने में। जैसे आप मशीनरी लोगे, जैसे मान लीजिए आप बहुत सिंपल सा अगर बेकरी का बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े कमर्शियल ओवंस लेने पड़ेंगे, तो वो कमर्शियल ओवंस आपके आ जाएंगे एडवांस इक्विपमेंट्स में। आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर हैं तो फिर आपको उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीदनी पड़ सकती हैं, आपको क्रेन्स वगैरह खरीदनी पड़ सकती हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री आउटलेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लगने वाली मशीन्स हैं अगेन आपको वो खरीदनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट कॉस्ट आता है लैंड कॉस्ट। ये आपका एक तरीके का कैपिटल, ऑलमोस्ट सारे के सारे कैपिटल कॉस्ट ही हैं, ऑलमोस्ट सारे नहीं हैं लेकिन ऑलमोस्ट सारे। जैसे लैंड कॉस्ट है तो आप चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट बिजनेस हो, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करो आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ती है। लैंड एक्विजिशन के लिए जितना आपको कॉस्ट लगता है तो आप उसे एस्टिमेट निकाल दो। तो आप एस्टिमेट कैसे निकालोगे, आप मान लीजिए आप एक प्लांट लगाने वाले हैं, आप एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं, तो आप डिसाइड करोगे कि वो कितनी यूनिट्स के हिसाब से मेरे को प्लांट लगाना है। जैसे जब आईफोन ने इंडिया में अपना प्लांट डाला तो उसने एस्टिमेट किया कि हमें एक साल में मेरे को इतने आईफोन्स बनाने हैं, तो इतने आईफोन्स बनाने के लिए मेरे को कितनी मशीनरी और कितनी मैन पावर लगेगी उसने ये डिसाइड किया। फिर इन इतने लोगों को हैंडल करने के लिए, इतनी मशीनरी को हैंडल करने के लिए मेरे को कितने एकर्स ऑफ लैंड लगेगा। तो आप सबसे पहले लैंड कॉस्ट में आप ये चीज़ एस्टिमेट करते हैं कि मेरे को कितनी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट बनानी है, उसके बेसिस पर आप उतनी बड़ी लैंड एक्वायर करते हैं। आप मान लीजिए आपको है ना लेट से 5 एकड़ लैंड की ज़रूरत है, आप 5 एकड़ लैंड आपको इंडिया में या वर्ल्ड में हर जगह पे आपको सेम रेट पे नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग जगह अलग अलग रेट मिलेंगे। तो आप ये देखोगे कि मेरे को जब मैं प्लांट डालूंगा तो मेरे को प्लांट के साथ साथ और क्या फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, क्या मेरे को वहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेगा, क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, क्या वहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पर सिविलाइजेशन है। फिर आप देखोगे कि किस स्टेट में कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पे कर रही है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में ना आर्टिलरीज और टैंक्स बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए गवर्नमेंट उसमें पैसा डालेगी, और फिर एमपी में वो लोग प्लांट सेटअप करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स देखे होंगे कि क्या यहाँ पे लैंड सस्ती मिल रही है, क्या यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे रही है, या फिर एक्स वाई जी जो भी आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना आसान हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या वो प्रिवेल करेगा या नहीं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लैंड का कॉस्ट निकालते हो और जगह डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ पर बिजनेस करना है। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये जनरली आपका प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही आपका एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा जा सकता है। जो आप अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में आप क्या इनोवेशंस कर सकते हो, तो वो आपका एक प्रिलिमिनरी कॉस्ट हो गया। दूसरा आपका इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो सकते हैं वो आपके ना मार्केट सर्वेस के ऊपर जा सकते हैं, और आपका एक टीम बिल्डिंग में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क। अब आपने लैंड ले लिया लेकिन उस लैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी तो कराओगे, तो वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो कितने बड़े लैंड के ऊपर कितना सिविल वर्क कराने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उससे अपना बिल्डिंग कॉस्ट निकालोगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट ऑफ पीएनएम। अब कॉस्ट ऑफ पीएनएम का मतलब क्या है कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट बनाने का कॉस्ट और मेन जो आपका प्लांट होगा वो, और उसके साथ में आपकी जो मशीनरी उसके अंदर जाने वाली, जो आपकी मेन इक्विपमेंट्स होंगे उसकी हम यहाँ पे बात करें तो वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे, तो वो भी आपका एक फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। आपको बार बार मशीनरी लेने की जरूरत नहीं, आपको बार बार प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज इनटेंजिबल एक्सपेंसेस। इनटेंजिबल एक्सपेंस मतलब अगर आप टेंजिबल इनटेंजिबल डिफरेंस समझेंगे, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं छू सकता हूँ तो ये आपका एक टेंजिबल एसेट हो गया, लेकिन जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ क्या आप इसको मतलब आप सुन रहे हो, नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ आप सुन रहे हो आप ले रहे हो उसको, बट दिस इज एन इनटेंजिबल सर्विस। तो ऐसे बहुत सारी इनटेंजिबल सर्विसेज होती हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपको आईटी सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, आपको सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली आजकल मतलब जितना एडटेक का जमाना है आपको सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी ही, तो जो सॉफ्टवेयर्स में आप पैसा खर्च करोगे वो आपका किस में आ जाएगा, इनटेंजिबल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सो दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू शुड कंसिडर वेल स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।